punch was insane. Man, that was right really. हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कराटे कॉम्पेट की तीसरी फाइट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो हुई थी, उलूमी करीम जियंट ऑफ पाकिस्तान रेसलर वर्सेस ध्रुव नाम है इनका, तो इनके बीच की जो फाइट हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम दो फाइट्स देख चुके हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने लीड बनाकर रखी थी, जीत चुकी थी। पहली फ़ाइट का बहुत ज़्यादा हंगामा था जो शाहजेब की थी, शाहजेब वर्सेस राणा की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली गलौज हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तीनों फाइट में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ रही हैं। इस फाइट को देखेंगे कि उलूमी करीम और ध्रुव के बीच कैसी फाइट रहती है, क्योंकि इसके अंदर जो ध्रुव हैं इन्होंने कहा था कि मैं ज़िंदगी में एक बार पाकिस्तानी से ज़रूर लड़ना चाहता हूं, मेरी ख्वाहिश है, तो वो ख्वाहिश इनकी पूरी हो चुकी है। देखते हैं वीडियो को, लेट्स गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, होप यू आर रेडी फॉर सम बोन क्रशिंग रेयर नेकेड चोकिंग एक्शन एज दिस इज द को-मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। एंड नाउ making his way to the cage, Dhruv Psycho Chaudhary. Dhruv Chaudhary. Okay. If ever there was a fitting nickname, it is Psycho for Dhruv. After spending time with the guy, you realize he is absolutely crazy. Living up to his cage name. He's a psycho for sure. Cutting down to the bantamweight now for the title. And he's one of the most experienced fighters in the Indian MMA circuit. Okay. इनकी लुक देखो, इनकी फील देखो, सही बोल रहे हो आप, एकदम साइको है ये। और अभी प्रोमो वीडियो में भी ये क्या बोल रहे हैं, ये पूरी जिंदगी में मेरी तमन्ना थी मुझे एक बार पाकिस्तानी से लड़ना है। ये फाइट हो कहां रही है यार, वहां तक तो लग नहीं रही है। ड्रीम टू फाइट अ पाकिस्तानी। बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है इनकी, गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं अपने आप को। क्रेटोस जो वीडियो गेम है गॉड ऑफ वॉर, उसमें एक कैरेक्टर है क्रेटोस, तो ये अपने आप को क्रेटोस बोलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, म्यूजिशियन है, गिटार बजाते हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, बहुत ही वेल स्पोकन आदमी है। एंड आई एम रियली इट्स ओके, ही वोंट लेट उरूमी करीम टेक द बेल्ट होम। ध्रुव लुकिंग वेरी कंफर्टेबल टेकिंग द सेंटर ऑफ द केज हियर। He's got that wider stance, probably trying. Got some slipping again. काफी slippery हो चुकी है cage. Well, this is the co-main event, beautiful the 11th fight. Beautiful leg kick. कड़क leg kick लगाई वहाँ पे ध्रुव ने. ध्रुव connected right there with a nice straight right hand. बहुत ही इंटेलिजेंट स्ट्राइकिंग कर रहे हैं ध्रुव, अपना पूरा टाइम ले रहे हैं और उसके बाद लैंड कर रहे हैं। क्या बात है! Landing kicks, fakes low and goes high, using his reach advantage, as he should. Guys, did you notice that he threw two leg kicks and then the third one went to the head? That's beautiful deception right there. Beautiful deception, agreed. Nice inside leg kick there by Dhruv. Would like to see Dhruv establish a nice jab there. He's a lot longer. See him snap it out. Our crowd is really getting into the fight now. और उलूमी गए टेकडाउन के लिए। चार पांच स्ट्राइक्स खाने के बाद उलूमी को भी कुछ करना ही था, तो उन्होंने चार्ज इन किया और यहां ध्रुव को पकड़ रखा है उन्होंने केज के अगेंस्ट। We've got the crowd getting electric here. We can hear people shouting India and Pakistan, and therein we've got Ulumi Karim attempting a takedown, and he's got it. And he throws him at his corner. Well, that's बहुत खतरनाक मारा भाई जाल में देखो। It is very intelligent fighting. John, he carried Dhruv from his corner. उठा उठा के ऊपर डाल दिया भाई दो बार। Kratos caught a war. I'm gonna watch for Ulumi here to put a little bit more pressure on Dhruv and go again for that takedown where he was finding success. बिल्कुल, उलूमी को डिस्टेंस क्लोज करना होगा and he'll have to go for that takedown. Dhruv is really going to need to establish a jab right now. There we go. Shoots in for the double leg. Gets him against the cage. यार ये क्या? Fighting for a single leg. Dhruv ऐसे उठाकर. Dhruv has a good double underhook here preventing him from getting in, fighting for inside control.
फिलहाल बढ़िया काम करते हुए ध्रुव टेकडाउन को डिफेंड करने का, और उन्होंने पलट दिया है अब उलूमी को। उलूमी हैज अ बॉडी लॉक एंड इज एबल टू रिवर्स इट। उलूमी इज वेरी स्ट्रांग जॉन, ही इज वेरी स्ट्रांग फॉर श्योर। He's put up a good camp for this fight under the patronage of his elder brother, Coach Ehtisham. Nice clinch and knee series by Dhruv here. Dhruv is going to need to establish that jab, guys. Oh, he's out, guys. Right hand. This could be it. Well, this could be it. Oh, damn. What a right hand. Ullumi Kareem makes history. Becomes the first Pakistani MMA fighter to win a title at the Mayweather fight night. We've got the undisputed and the first bantamweight title holder. एक ही मुक्के में उलूमी करीम ने ये सारी फाइट कहानी करी खत्म और खुद को बनाया MFN का बैंटम वेट चैंपियन। Well, exactly, that's what Ullumi Kareem is shouting. Let's look at that. This is the replay. Let's look at that. अब वो नीचे मारने जाएगा। Let's look at what happened, guys. That punch was insane. Man, that was right really on the chin, and right. Dhruv was out. A very nice right overhand right there, guys. Very well placed, right on the button, out. Well, Ullumi is saying peace through sports, peace through peace sports. Through sport. On the contrary, his brother is shouting, Pakistan Zindabad. I don't get this, man. I'm so sorry. This is wild. Well, this is wild, but herein we represent MMA culture. All we want is it peace. It makes a lot of sense. And I personally feel that MMA is here to unite people, unite countries. Much respect to the new and the first MFN bantamweight title holder, Ullumi Kareem. 100%. You know, guys, you need a place where you can compete and fight. Yes. And the point is, you channelize your anger and aggression. You don't just suppress it or cut it off. So you fight in the cage, but outside the cage, you show sportsmanship. You be a friend, and you be an overall honorable person. So peace through sports. I love what he's saying. Well, that's an excellent motto. We've got the God of War walking back home, making history, taking home inaugural bantamweight title. Guys, I'm speechless right now. What a performance. What a performance, man. 2-3 minute to aisi fight rahi thi ki Ullumi Kareem ke upar Dhruv bhari the aur inki khwahish thi, lekin main agar ye fight ka ring aur ye sab kuch mujhe usse different lag raha hai jo do fight humne pehle dekhi thi. I think ye pehle ka hai ya baad ka hai, I don't know, lekin ye Ullumi Kareem usme the, un teen logon ki team mein ye the. बहुत ही तगड़ा यार, शॉकिंग पंच मारा था. क्या फाइट चलती आ रही थी, पैरों से भी चल रहा था, और एक चलाकी मुझे देखने को मिली इसके अंदर. उलूमी करीम ने जो पकड़ा है और उठाकर पटका है, जो एक बार रिंग से मारा, एक बार नीचे देकर मारा, फिर तीसरी बार पैरों से जो गेम चलता रहा, वो ध्रुव जो समझ रहा था वो नीचे से पंच मारेगा, नीचे टांगों को देख रहा था, लेकिन वो टांगों को देखते देखते और मारते मारते कि सोचते इतने ही एक सेकेंड, माइक्रो सेकेंड काफ़ी होता है, और उन उलूमी ने यहाँ से पंच घुमा दिया, जो कि यहाँ से डिफेंस होना था उसके हाथ से ध्रुव के, लेकिन उसका हाथ थोड़ा सा दूर रह गया और यहाँ से निकलकर पंच मुंह पे पड़ गया, एंड गेम ख़त्म. एंड यहाँ पर बात है कि कैप्टन ने जब गाली दी, गाली गलौज करी और गलत बिहेवियर किया और घमंड दिखाया, तो शायद उसकी वजह से जो कर्मा कहते हैं ना, कि कर्मा जो होते हैं, जो घमंड होता है वो किसी का टिकता नहीं है, कर्मा लौट कर आता है, तो वो असर और लोगों पर भी पड़ता है. जब कैप्टन को एक सेंसिबल और सही तरीके से चलना चाहिए था और वो गाली गलौज का मैटर नहीं होना चाहिए था ताकि बेइज्जती ना हो, फिर भी पाकिस्तान के कुछ ये 2-3 खिलाड़ियों की तरफ से ये नारे भी लगा रहे थे कि फाइट फॉर पीस, ऐसे कर कुछ नारा लगाया था इन्होंने. और उसमें पहली फाइट में शाहजेब ने झंडे लिए थे, दोनों कंट्रीज़ को बराबर रिस्पेक्ट देते हुए बोला था. और ये अगर ऐसा सीन होता है तो यहाँ पर आपको, आप जब बड़े बोल कर जाते हो, कुछ गलत बोल कर जाते हो, गालियाँ देकर जाते हो, तब हारते हो, तब ज़्यादा बेइज्जती होती है, उसके मुकाबले जब आप नॉर्मल तरीके से जाते हो, हम्बल तरीके से जाते हो और वहाँ पर गुस्सा निकालते हो,
फिर हार जाते हो तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि तुम अच्छे लड़े, बढ़िया लड़े, लेकिन हारे, हार जीत तो किस्मत की बात है, होती रहती है, गेम तो गेम है, ये कहकर आपको अप्रिशिएट किया जाता है, गालियाँ नहीं पड़ती हैं। वेल, अच्छे फाइट्स रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।